जय श्री राम, हर हर महादेव। अभी हम लोग चल रहे हैं बाबा नीम करोली के दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले हम आए हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे, और हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे देखते हैं तो पूरा रेलवे स्टेशन पूरा खाली था। तो हम लोगों ने क्या काम किया, टिकट लिया पहले। तो टिकट लेने के बाद हम लोगों ने टिकट लिया काठगोदाम के लिए, क्योंकि आपको काठगोदाम ही आना पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है काठगोदाम आने के लिए। तो देखते हैं भाई, ट्रेन हमारा आ चुका था, ट्रेन पे बैठ गए। और ट्रेन पे जैसे बैठे तो मन एकदम डांस करने को कर रहा था, तो हम लोग भाई सो गए थे। सुबह होते ही हम लोग पहुंच गए भाई हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पे। तो देखते हैं, यहाँ पे हल्द्वानी में काफ़ी काफ़ी ऊँचे ऊँचे पहाड़ थे, बहुत अच्छा लग रहा था। एक नदी पास से बह रही थी, और ये था क्रिकेट स्टेडियम, पता नहीं कौन सा था, देखा नहीं मैंने मैप पे। और उसके बाद भाई हम आ गए थे भाई स्टेशन पे। वहाँ से सीधा हमें बहुत सी अच्छी अच्छी बातियाँ दिख रही थी, बहुत सुकून मिल रहा था। उसके बाद हम लोग काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर पहुँच गए। ये रेलवे स्टेशन लास्ट है, यहाँ से कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। उसके बाद देखते हैं हम लोग भाई सीधे बस पे बैठ गए, क्योंकि हमें बस लगे हाथ मिल गई थी। तो बस का किराया था 110 रुपये, और बस पे भी बहुत अच्छी अच्छी बातियाँ दिख रही थी। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है आप सभी हमारे ब्लॉग में। और हम आए हुए हैं नैनीताल कैची धाम, जो उत्तराखंड में स्थित है। तो मैं कुछ पहले उतर गया था, ये पार्किंग एरिया है यहाँ पे, मतलब बाबा के जहाँ था पे चित्र लगे हुए हैं। हाँ, अगर आप कार से आते हो तो आप अपना कार यहाँ पार्क कर सकते हो। तो अभी हम चले नीचे, क्योंकि मैं पहले उतर गया था। तो मैं अभी ठंडे पानी में नहाने जा रहा हूँ, इतना ठंडा पानी है, बर्फ़ जमाने वाला। पर क्या करें, हमें नहाना पड़ेगा, क्योंकि हमने होम स्टे नहीं किया है, और अब हम नहाने जा रहे हैं। और देखो कितना भाई पानी तेज चल रहा है, मेरे पैर पूरे दिख रहे हैं, क्लीन वाटर है, क्लीन। आपका भाई नहा हुआ एकदम मस्त, आप कपड़े चेंज करना है बस। जय श्री राम, मैं तो नहा धो के एकदम रेडी हो गया हूँ, और अभी हम चल रहे हैं बाबा जी के दर्शन करने। चलते हैं, आपको रोड पे मिलते हैं, क्योंकि मैं बहुत नीचे हूँ, रोड बहुत ऊपर है। ऊपर की साइड रोड है, और मैं नदी में साइड आया था यहाँ पे नहाने के लिए, और मैं नहा लिया, मेरा बैग ये रहा, और अब बैग उठाते हैं और चलते हैं। तो बैग तो लिया, चांद आवाज़ आ रही होगी आपको पानी की बहुत ज़्यादा, और मैं कैसे आया हूँ आपको दिखाता हूँ। बस अभी क्या है ना, बारिश का मौसम नहीं है तो ये सब आप कर सकते हो, पर बारिश के मौसम में ये सब नहीं करना, क्योंकि ये बहुत डेंजर हो सकता है बारिश के मौसम में। ऊपर की साइड चल रहा हूँ कि बहुत नीचे था, देखो थोड़ा नदी, वो उधर नदी है, और देखो मैं अभी चल ही रहा हूँ। ये देखो ये सीढ़ियाँ हैं, और ये बड़े बड़े पहाड़ हैं, और वो चंदा मामा है दिन में। इन सीढ़ियों को चल रहा हूँ भाई, पूरा एकदम सीधा है, और ये रहा रोड भाई। अगर आप भी नीम करोली बाबा के दर्शन करना चाहते हो, आप कैची धाम आना चाहते हो, तो ये मौसम सबसे बेस्ट है, ना ज़्यादा भीड़ है, बड़े प्यार से आपको दर्शन होंगे। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है मेरे को भी, नहा धो के एकदम रेडी हो गया हूँ, सांस फूल रही है, आपको पता चढ़ के आया हूँ इसलिए। पर आपके भाई ने 500-600 रुपये बचा लिए नदी में नहा के। अगर आप रेस्टोरेंट पर जाते तो वहाँ पे होम स्टे लेना पड़ता है आपको, वहाँ पे आपको पैसे चार्ज करने पड़ते हैं, तो इसलिए मैं नदी में नहा लिया, क्योंकि इस टाइम बारिश का मौसम भी नहीं है, बाढ़ बूढ़ का कोई सिस्टम नहीं है, एकदम कम कम पानी आ रहा है। मस्त एकदम नहाया, पूरा शरीर मस्त हो गया। तो अभी हम प्रसाद लेते हैं जल्दी, और आपको बता दूं, अगर आप आ रहे हो तो सबसे पहले आपको काठगोदाम आइए, काठगोदाम से आपको बस मिल जाएगा जो 110 रुपये आपसे लेगा कैची धाम के लिए, और सबसे बेस्ट ऑप्शन है काठगोदाम का। तो आप पहले काठगोदाम आइए, और कहीं से भी आइए, पहले काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर ही आना, जो कि आपको हरिद्वार से ट्रेन मिलेगा रात के 1 बजे। अगर आप भी मेरी तरह नदी में नहाना चाहते हो ना, तो एक मंदिर है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, उस मंदिर से सीधे चले जाना, ऐसे कोई 400 मीटर के आसपास आपको मिल जाएगा वो जगह पे।
ये जो साईं कुटिया मंदिर है इसके पीछे आपको 400 मीटर के आसपास आपको पीछे जाना पड़ेगा। कई बार आते हैं ना वो यही बात सोचते हैं कि मैं कहाँ पे वॉशरूम करूँ क्या करूँ, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप जाइए उधर साइड पे वॉशरूम कीजिए, पर हाँ गंद मत कीजिए। शुशु वगैरह करना है कर लीजिए, बाकी का वॉशरूम वगैरह के लिए आपको भाई पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नेचर को हम ठेस नहीं पहुँचा रहे हैं। मंदिर के पास आपको दर्शन करवाते हैं, ये देखो दिख रहे हैं आपको। अजीब बात है यार, इधर नेट बैंकिंग नहीं चल रहा है और ज़्यादा कैश है नहीं मेरे पास, बहुत बड़ा प्रॉब्लम फंस गया है। उधर ATM है पता नहीं वो चल रहा है नहीं चल रहा है। यहाँ से दर्शन कीजिए पप्पा के, ये आश्रम है कैची धाम, तो यहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज विदेशों के लोग भी आए हुए हैं। साक्षात हनुमान जी हैं यहाँ पे, आप भी आओ। ये हम लोगों ने और अभी चल रहे हैं अंदर, देखते हैं अंदर शूट करने देते हैं या नहीं। हमारे पापा के और मन शांत हुआ, बहुत अच्छा लगा, आप भी आओ। धाम से जाने का मन तो नहीं कर रहा है, पर क्या करें जाना तो पड़ेगा ना, सब पे कृपा बनाना अपनी। दर्शन हो गए, अभी हम लोगों को वापस चलना है। ऐसी धाम कुछ इस प्रकार का है, देख ही सकते हो आप हमारे पीछे, और हम भी अब चल रहे हैं घर की ओर। तो बहुत सुकून मिला, आप भी विजिट कीजिए, पापा को देखिए। यहाँ पे माता रानी का मंदिर है, जो आपको ये दो तीन गुम्बद दिख रहे हैं, राधा कृष्णा का मंदिर है, माता रानी का मंदिर और हनुमान जी का मंदिर, ये मैया शेरावाली का मंदिर है, और जो व्हाइट वाला टेंपल है वहाँ पे नीम करौली बाबा है।